श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हो, आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों 10 जून शुक्रवार के दिन निर्जला एकादशी पड़ रही है। बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। उस दिन शुक्रवार का दिन है और निर्जला एकादशी पड़ रही है, सर्वाक सिद्धि योग बन रहा है, तो इस दिन का बहुत ही खास महत्व माना जाता है। और इसी दिन आप लोगों को पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया उनकी कथा से एक बहुत ही अच्छा उपाय है, और उसी उपाय को आज हम लोग सरल भाषा में बताने जा रहे हैं, जबकि आप लोगों के लिए बहुत ही कारगारी सिद्ध होगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें, हर बार की तरह कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। तो दोस्तों आप लोगों को मात्र इस दिन एक हींग से छोटा सा उपाय करना है। दोस्तों हींग जो होती है, हींग में एक अदृश्य शक्ति होती है जो कि इंसान के जीवन की जो भी समस्या होती है, जो भी इंसान के जीवन में रोग होता है और जो भी इंसान के जीवन में बुरी शक्तियों का वास होता है वह दूर करता है। इसी प्रकार दोस्तों आप लोगों को आपके घर में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति का वास है जिसकी वजह से आपके घर में कोई भी अनुचित कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, तो उसी के लिए आप लोगों की छोटे से उपाय को करना है। पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया आप लोगों को निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात घर के मंदिर में पूजा घर में दीपक जलाने के बाद आप लोगों को दोस्तों थोड़ी सी हींग लेनी है, यानी कि आप लोगों को छोटा सा टुकड़ा लेना है हींग का। और आपके दीपक की जो लो है, आपके दीपक की जो लो है पूजा घर में, उस लो के आप लोगों को चार बार उसके यानी कि चारों मेर उसे घुमाना है। उस हींग को हाथ में लेकर अपने दीपक की लो की जो आग है उसकी चारों मेर चार बार घुमाना है, और फिर उस हींग को आप अपने घर के पूजा घर पे ही रख देना है। इससे दोस्तों आपको बहुत से शुभ फल देखने को प्राप्त होंगे, साथ ही साथ आपके जीवन की तमाम समस्या दूर होगी। तो इस कार्य को अवश्य करें, बहुत ही अच्छा कार्य है। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।